गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया और प्रोटीन की हमने सबसे पहले प्राथमिक स्ट्रक्चर देखी, फिर द्वितीयक देखी और फिर तृतीयक देखी। तृतीयक स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर चार तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोनिल समूह और अमीनो समूह के मध्य। एक पाया जाता है इसके अंदर डाइसल्फाइड बंध, सल्फर सल्फर के बंध। एक पाया जाता है इसके अंदर जल विरोधी बंध, एल्किल समूहों के बंध। और एक पाया जाता है इसमें ध्रुवीय बंध, जो कि कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन के मध्य में होता है। फिर हमने प्रोटीन के कुछ टेस्ट स्टार्ट किए थे, प्रोटीन के कुछ कलर टेस्ट, जिनमें था बायूरेट परीक्षण, जिसमें बैंगनी रंग आता है। फिर हमने देखा मिलन टेस्ट, जिसके अंदर निनहाइड्रेट टेस्ट, इसके अंदर नीले रंग का मिलन प्राप्त होता है। लास्ट में हम देख रहे थे जैंथोप्रोटिक टेस्ट। तो जैंथोप्रोटिक टेस्ट के अंदर क्या होता है परीक्षण? इस परीक्षण में क्या होता है, जो वलय होती है बेंजीन वलय तो प्रोटीन, कौन सी वलय? बेंजीन वलय प्रोटीन का ये टेस्ट है जैंथोप्रोटिक टेस्ट। और इसमें क्या होता है, जब हम प्रोटीन विलयन में, इसमें प्रोटीन विलयन में क्या डालते हैं, शांत HNO3, तो कैसा रंग हो जाएगा? शांत HNO3 डालेंगे तो पीला रंग मिलता है। कौन सा रंग मिलता है? पीला। और जैसे इसमें क्या डाल देंगे हम, अमोनिया NH3, तो ये पीला रंग नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये पीला रंग नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यह परीक्षण बेंजीन वलय प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, यह परीक्षण बेंजीन वलय प्रोटीन के लिए होता है। जब प्रोटीन विलयन को सांद्र HNO3 विलयन से, सांद्र HNO3 विलयन से अभिकृत कराया जाता है तो पीला रंग प्राप्त होता है। पीला रंग प्राप्त होता है। जो अमोनिया मिलाने पर, नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला परीक्षण है मिलन परीक्षण, मिलन टेस्ट। मिलन परीक्षण के लिए हम मिलन अभिकर्मक डालेंगे। और मिलन अभिकर्मक क्या होता है, नाइट्रिक
अम्ल HNO3 ठीक है में बना पारे का विलयन, संविलयन पारे का विलयन कहलाता है मिलन अभिकरण। क्या कहलाता है? मिलन अभिकरण। तो जैसे ही हम प्रोटीन में क्या डालेंगे, मिलन अभिकरण डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोटीन में भी कटा दिया मिलन अभिकरण, तो क्या हो जाएगा, श्वेत अवशेष हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें, श्वेत अवशेष। ठीक है, मिलन अभिकरण क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल में बना पारे का विलयन। तो लिखिए प्रोटीन अभिकर्मक, प्रोटीन विलयन, ऐसे देखो प्रोटीन विलयन मिलन अभिकर्मक के साथ, मिलन अभिकर्मक के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परीक्षण खत्म होते हैं आपका प्रोटीन के, जिसमें था बाइलियल परीक्षण, निहाइट्रिन परीक्षण, हेलर वाले परीक्षण हम पहले कर चुके हैं, और जैंटोप्रोटिक परीक्षण और ये मिलन परीक्षण। यहाँ पर आपका ये प्रोटीन खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का वो है न्यूक्लिक अम्ल और उनके विध पर। अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्न, न्यूक्लिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्न। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए वंशानुगत लक्षणों के जीन, जो हमारे वंशानुगत लक्षण है उनकी जो जीन होते हैं वो किसके होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए वंशानुगत लक्षणों के जीन, वंशानुगत लक्षणों के जीन गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। देखो गुणसूत्र, गुणसूत्र जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र प्रोटीन तथा
न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। सूत्र प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के संयुग्मन को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कैसा ग्रुप है, प्रोस्टेटिक समूह है। मैंने बताया था ना, एक प्रोटीन पार्ट है, एक एप्रोटीन पार्ट। तो ये एप्रोटीन पार्ट है, इसे हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक समूह। ठीक है, तो लिखिए प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के संयुग्मन को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये होता है हमारा प्रोस्थेटिक समूह, ए प्रोटीन पार्ट। ये क्या होता है, हमारा प्रोस्थेटिक समूह होता है। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, अब आगे डालेंगे इसी में न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। देखो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन ये बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। तो इसको मैंने डिवाइड किया दो भाग, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, प्रोटीन में और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किससे बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो। न्यूक्लियोटाइड दो से मिलकर बनता है, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल। एक क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। न्यूक्लियोटाइड्स में दो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक अम्ल के संयोग से। और न्यूक्लियोसाइड बनता है शर्करा और कार्बनिक क्षार से।
इसके भी दो भाग होते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं न्यूक्लियोसाइट्स के। एक तो होता है कार्बनिक क्षार प्यूरिन्स तथा पिरामिडिन। प्यूरिन्स तथा पिरामिडिन से क्या होते हैं कार्बनिक क्षार। और दूसरा होता है शर्करा राइबोज व डीऑक्सीराइबोज। ये क्या होते हैं शुगर शर्करा। ठीक है, और देखो न्यूक्लिक अम्ल को सर्वप्रथम साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिसेचर। मिसेचर ने इसमें पस साइज में मवाद कोशिकाओं में इन्हें प्राप्त किया। मवाद कोशिकाओं से मवाद पस साइज होती है ना, मवाद कोशिकाओं से सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया फ्रेडरिक मिसेचर। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जो आप याद रखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम 1872 में मिसेचर ने मवाद कोशिकाओं में केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया। केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया और से न्यूक्लिन नाम दिया। और इसे क्या नाम दिया न्यूक्लिन। और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। देखो अल्टमान ने इसे किसने अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। अब ये चार बना लीजिए आप।
ठीक है, तो ये चार बना लीजिए आपने। अब देखिए इस चार्ट के बाद देखिए देखिए आप न्यूक्लिक अम्ल रंगही जटिल न्यूक्लिक अम्ल रंगही जटिल तथा आकारहीन यौगिक है। रंगहीन जटिल तथा आकारहीन यौगिक है। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। दो प्रकार के होते हैं अम्ल से, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इसका नाम होता है डीएनए का डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए कहा जाता है नाभिक में, कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं आरएनए। और ये पाया जाता है किसके अंदर? कोशिका द्रव। इसमें कोशिका द्रव ये पाया जाता है डीएनए केंद्रक में और माइटोकांड्रिया में, कोशिका द्रव में, ठीक है। तो लिखो डीएनए सॉरी न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का नाम लिखो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम लिखो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखो डीएनए मुक्त, डीएनए मुक्तया नाभिक में पाया जाता है डीएनए मुक्तया नाभिक में पाया जाता है, जबकि कुछ मात्रा में कोशिका द्रव माइटोकांड्रिया आदि में पाया जाता है। ठीक है, फिर लिखो आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए न्यूक्लिक अम्ल का मंद जलमोटन करने पर, न्यूक्लिक अम्ल का मंद जब करेंगे जलमोटन तो हमें क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड और फास्फोरेट न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, ठीक है। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल का मंद जलमोटन करने पर न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड का हम कराएंगे फिर जलमोटन, इससे क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक समूह, ठीक है। तो लिखो आगे फिर न्यूक्लियोटाइड को फिर जलमोटन करने पर
न्यूक्लियोटाइड को फिर जलघटित करने पर न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक समूह, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल है वो तीन इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी इकाई है वो तीन? देखो पहला तो है फॉस्फोरिक समूह, पहला तो कौन है? फॉस्फोरिक समूह। तो लिखो आप न्यूक्लिक अम्ल तीन इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहला तो है फॉस्फोरिक समूह या फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा है शर्करा सुगर, दूसरा है शर्करा, तीसरा है कार्बनिक क्षार, तीसरा कौन सा है? कार्बनिक क्षार। तो लिखिए न्यूक्लिक अम्ल तीन इकाइयों से मिलकर बना है, तीन इकाइयों से मिलकर बना है। पहला फास्फोरिक अम्ल, दूसरा शर्करा, तीसरा कार्बनिक क्षार। तीसरा है कार्बनिक क्षार। देखिए पहला लिखो फॉस्फोरिक समूह, ये क्या होता है H3PO4, क्या होता है फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। इसकी संरचना क्या होती है देखो, इसमें तीन तो OH बंद होते हैं और एक पी डबल बॉन्ड O बंद होता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। क्या है ये? तो पहला लिखो फॉस्फोरिक समूह या फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है, तो ये है फॉस्फोरिक समूह H3PO4। पहला फॉस्फोरिक समूह लिखिए, इस रूप में ये पाया जाता है। अब दूसरा है शर्करा, शर्करा दो पाई जाएंगी, एक तो राइबोज शर्करा, कौन सी? राइबोज जो होती है आरएनए में, और ये पाई जाएगी डी ऑक्सी राइबोज, कौन सी? डी ऑक्सी राइबोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं आप, राइबोज जो है पांच कार्बन का शर्करा है। और डीऑक्सीराइबोज भी उसी का एक रूपांतर है, राइबोज पाई जाती है इसमें आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज पाई जाएगी इसके अंदर डीएनए में। तो देखो ये दोनों क्या है? पेंटोज शर्करा है। तो देखो शर्करा के अंदर शर्करा लिखो सेकंड नंबर पर, देखो दोनों क्या है? ये पेंटोज शर्करा है, पांच कार्बन की शर्करा है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है, दो प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है।
देखो डी राइबोज और डी डीऑक्सीराइबोज, डी राइबोज और डी डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं राइबो शर्करा को और डीऑक्सी राइबो शर्करा को। कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो और संरचना बनाते हैं इसकी डीऑक्सी राइबोस की। पेंटो शर्करा होती है इस तरीके से, ठीक है। वही देखो बीटा डी राइबोस, तो बीटा बोला है तो एनोमेरिक कार्बन होता है पहला कार्बन, तो बीटा बोला है तो OH ऊपर एच नीचे, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है। सेकंड कार्बन मेरा एच OH, थर्ड मेरा एच ओ एच, फोर्थ मेरा एच सी एच टू ओ एच, ठीक है। ये फोर्थ नंबर का, ये फिफ्थ नंबर का, ठीक है, सी एच टू ओ एच। तो ये है बीटा डी राइबोस, ये क्या है बीटा डी राइबोस। अब देखिए डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, सेकंड नंबर के कार्बन से यदि हम ऑक्सीजन हटा दें तो वो क्या हो जाएगा डीऑक्सी, और क्या बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस 17। तो उसको कैसे बनाएंगे भाई, जो इस तरीके से पहला कार्बन ये बीटा डी राइबोस है वो बीटा ही बनेगा, तो बीटा OH ऊपर एच नीचे, इधर दोनों पर एच रहेंगे, एक ऑक्सीजन हटा दिया ये एच ओ एच, इधर सी एच टू ओ एच एच, फोर्थ फिफ्थ वन टू थ्री, ये बन गया बीटा डी 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 ऑक्सी राइबोस शर्करा, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। ये दोनों पर गई बीटा डी राइबोस और बीटा डी डीऑक्सीराइबोस, ये पाई जाएगी आरएनए में, और ये पाई जाएगी इसके अंदर डीएनए बनाए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बनिक क्षार प्यूरिंस और पिरामिडिन की संरचना बनाएंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।